हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ ये एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। ये डाबर हिमालया का एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर ऑफ विनेगर है, जो कि रॉ है, अनफिल्टर्ड है, अनपेस्चराइज्ड है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा मुझे काफ़ी टाइम हो गया एप्पल साइडर विनेगर लेते हुए। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलते हैं एप्पल साइडर विनेगर लेने के, इसलिए इसका टेस्ट गंदा होने के बावजूद भी मैं इसको लेती हूँ, एवरीडे लेती हूँ और बहुत सालों से लेती आ रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, जिससे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्ने की प्रॉब्लम है तब तो आपको इसको लेना ही लेना चाहिए, और बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स नहीं होने देता है। ये हेयर को शाइनी बनाता है, सिल्की बनाता है, डेंड्रफ को दूर करता है। इसको कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अलग अलग तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि एप्पल साइडर विनेगर होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर पे, क्योंकि आप इसको अगर आपके पास ये है तो आप कई चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है। वैसे तो मैं बहुत सारे ब्रांड्स के एप्पल साइडर विनेगर ले चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पर वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा इस बार ये ट्राई करके देखते हैं डाबर का एप्पल साइडर विनेगर। तो इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, कैसे है, कैसे लेना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। हेल्प्स कीप हेल्दी वेट, गुड फॉर हार्ट हेल्थ एंड लीवर हेल्थ, स्किन हेल्थ में भी काफ़ी बेनिफिशियल है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनर्जाइज्ड रखता है आपको, और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको आप फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है, और टीथ वाइटनिंग में भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और बालों की बात करूँ तो स्कैल्प को नरिश करता है, हेयर को शाइनी बनाता है, ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। बात करते हैं इसको लेना कैसे है। तो आप इसको वाटर के साथ ऐड करके ले सकते हैं, 10 to 15 ml आप मिक्स कर लीजिए और इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको वेजिटेबल जूस के साथ, फ्रूट जूस के साथ भी ले सकते हैं, और आप इसको लेमन जूस के साथ ले सकते हैं या लेमन टी के साथ आप इसको ले सकते हैं। आप अपनी सैलेड को एप्पल साइडर विनेगर से गार्निश करके भी आप इसको ले सकते हैं। और मैं कैसे लेती हूँ, मैं इसको वाटर के साथ ही लेती हूँ, ना मैं इसमें लेमन मिलाती हूँ, ना मैं इसमें हनी मिलाती हूँ। अगर आपको इसका टेस्ट ख़राब लगता है तो आप इसको जूसेस के साथ ले सकते हैं, थोड़ा हनी मिला सकते हैं और लेमन मिला सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा सा आपको सही लगेगा, पीने में ईजी रहेगा। तो वैसे इसको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग ड्रिंक के जैसे पीना चाहिए, पर मैं नहीं पीती हूँ। मैं इसको ब्रेकफास्ट के बाद पीती हूँ, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद पीती हूँ, या फिर अगर नाइट में लेना हो तो आप डिनर करने के 1 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 टाइम लीजिए और थोड़े दिन बाद आप इसको 2 टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको पीने में प्रॉब्लम हो रही है तो एवरीडे ना पी के आप ऑल्टरनेट डेज पे पी सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो ये 370 रुपीज़ का आता है, 500 ml का पैक है, और आफ्टर डिस्काउंट अमेज़न से मुझे ये सिर्फ 199 रुपीज़ में मिला। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो इसमें एनर्जी 5.4 कैलोरीज़ है, प्रोटीन 0, कार्बोहाइड्रेट 1.34 ग्राम है, शुगर लेस देन 1 ग्राम है, फैट 0 है, सोडियम 3.6 mg, पोटेशियम 61.6 mg, आयरन 0.7 mg, कैल्शियम 9.2 mg है। कभी भी एप्पल साइडर विनेगर को आपको डायरेक्ट नहीं पीना है, हमेशा डाइल्यूट करके पीना है, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट पी जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दूसरी बात, अगर आपके दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है और तो आप इसको डायरेक्ट ना पी के स्ट्रॉ की हेल्प से पीजिए, क्योंकि ये एसिडिक होता है और बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। तो कुछ लोगों को खट्टेपन की खट्टे चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग स्ट्रॉ से पीजिए, जिससे कि आपके दांतों में टच ना हो और आप इसको पी सको। और ये कुछ ऐसे बॉटल में आता है, और नीचे आप देख सकते हो काफ़ी आपको ऐसे रेशे दिख जाएंगे। ये एसिडिक होता है तो पीने में काफ़ी खट्टा है, और टेस्ट तो सारे एप्पल साइडर विनेगर का ख़राब ही होता है, पर इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लेना भी ज़रूरी है। तो इसका भी टेस्ट तो ख़राब ही है। मैं कपीवा एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती थी, उसका टेस्ट थोड़ा सा ठीक है, पर इसका काफ़ी खट्टा है। और अगर आप पहली बार ले रहे हो तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा, पर टेस्ट ख़राब होने से ऐसा नहीं है कि आप इसको लेना बंद करो, या अगर आप लेने की सोच रहे हो तो टेस्ट अच्छा नहीं है इसलिए नहीं ले रहे हो। इसमें आप हनी मिला के ले सकते हो और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक्ने प्रोन स्किन है, बालों में प्रॉब्लम है, ज़रूर इसको लेना शुरू करो। देखो बहुत सारे क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं भी बहुत सारे क्रीम्स का रिव्यू करती हूँ, यूज़ भी करती हूँ, पर जो क्रीम्स हैं और जो भी ट्रीटमेंट होता है पिंपल का, वो आप जब ट्रीटमेंट लेते हो तब आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप उसके बाद अपनी केयर नहीं करते हो, अच्छी चीज़ें नहीं लोगे, तो फिर से आपको पिंपल की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए ज़रूरी है। एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा पिंपल का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन वगैरह रहता है स्किन पे, तब इसको लेना प्लीज़ शुरू कर दो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और टेस्ट ख़राब है, पर जब आप इसको एवरीडे लेना शुरू करोगे ना, तो मतलब 1 वीक में ही आपके हैबिट में आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं लगेगा। क्योंकि मैं भी लेती हूँ और मैं तो इतने दिनों से ले रही हूँ, कुछ भी नहीं इसमें मतलब हनी वगैरह मिक्स करती हूँ, डायरेक्ट लेती हूँ वाटर में डाइल्यूट करके, तो आपके हैबिट में आ जाएगा, आप यूज़ टू हो जाओगे 1 वीक में ही। तो इसको लेना शुरू करो। और मैं कपीवा का ले चुकी हूँ, ब्रैग का ले चुकी हूँ, वाओ का ले चुकी हूँ और इस बार मैंने डाबर का लिया, तो काफ़ी अच्छा है, आप बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप कोई ऐसा एप्पल साइडर विनेगर चाहते हो जो अंडर 200 हो, तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सारे एप्पल साइडर विनेगर आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे, ये काफ़ी सस्ता है और अच्छा भी है, बिल्कुल आप इसको ले सकते हो। और परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।